अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ पैदा हुई थी। लता ने अपनी आवाज़ से बहुत छोटी उम्र में ही गायन में महारत हासिल की और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर उन्हें देश दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लता मंगेशकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आदरणीय लता दीदी को जन्मदिन की बधाई। आपकी सुरीली आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। भारतीय संस्कृति के प्रति आपकी विनम्रता और जुनून के लिए आपका सम्मान किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से आपका आशीर्वाद महान शक्ति का स्रोत रहे। मैं लता दीदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सादगी व सौम्यता की प्रतिमूर्ति स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लता दीदी ने अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत को पूरे विश्व में गुंजायमान किया है। आप सदैव स्वस्थ रहें व दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपको बता दें कि साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड कराए हैं। लता मंगेशकर अपने संगीत को पूजा मानती हैं, इसलिए हमेशा नंगे पैर ही रिकॉर्डिंग में बैठती हैं। लता मंगेशकर ने केवल हिंदी भाषा में 1000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी है। उन्हें 1889 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं आपको लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताते हैं जो हैरान करने वाली है। लता मंगेशकर जब 33 बरस की थी तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी उसी रात उनका कुक भी फरार हो गया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जहर उन्हें कौन देता था, लेकिन उन्हें खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता था। लेकिन अब वो स्वस्थ हैं।